हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम योर फिजिक्स लेक्चर। तो आज के इस वीडियो में, सेशन में, हम सीखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो दो लॉज होते हैं बच्चों। इधर पहला लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, देखो गौर से देखो, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्लेक्शन नहीं बच्चों, रिफ्रैक्टेड। ओके, एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब अगर दो मीडियम है, ठीक है, दो मीडियम के बीच में एक फासला है, मतलब एक क्या कहते हो आप, डिफरेंस करता है, ये दो मीडियम को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो मान लो ए रेरर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है, ठीक है, या फिर आप मीडियम वन मीडियम टू भी कह सकते हो। रेरर मीडियम यानी द रेरर मीडियम इन विच लाइट पासिस ईजीली, राइट। रेरर मीडियम में लाइट तो आराम से पास हो जाएगा बच्चों, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यानी डेंसर मीडियम में लाइट को थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। ऐसे आप समझ सकते हो कि मान लो एक NH रोड है, ठीक है, नेशनल हाईवे, वहाँ पे तो ज़्यादा तक ट्रैफिक नहीं रहेगी, ठीक है, तो वहाँ पर तो आप गाड़ी को बहुत तेज़ी से भगा सकते हो, राइट। भगाना नहीं चाहिए, ठीक है, तो विदाउट एनी हर्डल यू कैन राइड योर व्हीकल फ्रीली, राइट, तो बहुत दिक्कत नहीं होगी उधर। वेराज भरी ट्रैफिक में आप गाड़ी चलाओगे, ठीक तरह से चला पाओगे, मतलब रुक रुक के चलना पड़ेगा, सिग्नल्स आएंगे बहुत सारे, बीचों बीच और व्हीकल सबको मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ पर दिक्कत होगी कि वहाँ पर व्हीकल आर डेंस्ड, ठीक है, तो वहाँ पर आपको हाई स्पीड में चलाया गाड़ी को आप चला नहीं सकते, ठीक है। वैसा ही होता है रेरर और डेंसर में। डेंसर मतलब हैवी ट्रैफिक समझ लेना, रेरर मतलब नो ट्रैफिक, ऐसे, ठीक है। तो नो ट्रैफिक में आप गाड़ी को आराम से तेज़ी से भगा सकते हो, वेरैज डेंसर में आप डेंस्ड व्हीकल जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे गाड़ी को तेज़ी से नहीं भगा सकते, ठीक है। वैसा ही होता है लाइट में भी, रेरर में से लाइट आराम से गुजरेगा बच्चों, ठीक है। तो जो इन दोनों मीडियम को डिफर करेगा, एक बाउंड्री बनाएगा, उसको बोलेंगे हम इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस यानी दिस पॉइंट। तो ये लॉ कहता है कि अगर इंसिडेंट रे आएगा तो वो रिफ्रैक्ट होगा, रेरर से डेंसर जा रहा है, तो पहले तो हमको नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है बच्चों। नॉर्मल क्या चीज़ है? नॉर्मल तो एक परपेंडिकुलर लाइन होगा, मतलब ये 90 डिग्री बनाता है इंटरफेस के साथ, ठीक है, तो इसी को हम नॉर्मल कहेंगे या परपेंडिकुलर लाइन भी कह सकते हो, ठीक है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, रिफ्लेक्शन में हो या रिफ्रैक्शन में हो, हमेशा इंसिडेंट रे जो होता है, इंसिडेंट रे मतलब जो रे आकर टकरा रही है डेंसर से, ठीक है, जो रे आकर टकरा रही है, ठीक है, जो रे टकरा कर जाती है उसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन में हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्रैक्शन में हम उसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। अब मानो ये हमारा इंसिडेंट हो गया है रे इधर, ठीक है, तो इस रे जो रेरर मीडियम से गुजर रहा है, आ रहा है, इसको हम बोलेंगे इधर इंसिडेंट रे, ठीक है। हमेशा याद रखना बच्चों, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, दिस इज सेम इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में भी सेम होता है, वहाँ पर भी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ ही एंगल बनाएगा। इधर इस एंगल को हम आई नाम देंगे, और आई कौन सा एंगल है बच्चों? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। किस डिग्री तक एंगल, मतलब इंसिडेंट रे बेंड हुआ है, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है। तो अभी ये गुजरेगा डेंसर से, अभी इधर आकर वो स्ट्राइक करेगा, ठीक है, वो स्ट्राइक कर कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा, डेंसर से जाएगा,
देखो, रेरर से डेंसर अगर इंसिडेंट रे आ रहा है तो हमेशा याद रखना बच्चों, वो जो रे यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रही है ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। देखो, नॉर्मल के पास, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, याद रखना। तो ये जो एंगल इधर बना रहा है ये रे, इसको हम नाम देंगे रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे हमेशा नॉर्मल के साथ ही एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम नाम देंगे आर। आर यानि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो सेम हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, पर एक चीज़ जो यहाँ डिफर होती है कि ये जो अपना वेलोसिटी है चेंज करेगा। ठीक है, वहाँ पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते थे, कहाँ पर, रिफ्लेक्शन में। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता बच्चों कि हमेशा इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन एंगल दोनों सेम हो, ऐसा नहीं होता। इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल दे कैन नॉट बी इक्वल इन केस ऑफ रिफ्रैक्टेड, वेयरएज इन रिफ्लेक्शन दे विल बी इक्वल। समझ में आ रही कुछ बात? रिफ्लेक्शन में कैसा होता है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से ध्यान देकर सुनना, रिफ्लेक्शन एंगल जो है वो इंसिडेंट एंगल के साथ बराबर ही बनेगा, इक्वल बनेगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे आर नॉट इक्वल। ओके, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इंक्रीजिंग रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अच्छा देखो, तो ये हो गया अपना रिफ्रैक्शन। अगर इंसिडेंट रे डेंसर से रेरर जा रहा है, एक बात अच्छी बात है इधर देख लो, ऐसा भी क्या हो सकता है कि डेंसर से रेरर गुजर सकती है लाइट? हाँ, गुजर सकती है। ठीक है, जा सकती है, पास हो सकती है। तभी बच्चों रिफ्रैक्टेड रे जो होगा वो नॉर्मल से अवे होगा। ये मैंने जो कॉन्सिक्वेंसेस है मैंने पिछले वीडियो में बताया है, नहीं देखा तो गौर से देख लेना। तो क्या बात हो गई इधर, डेंसर मीडियम से अगर रेयरर मीडियम जा रहा है इंसिडेंट रे, तो वहाँ पे वो रिफ्रैक्ट करेगा। रिफ्रैक्ट करके कैसा होगा वो, क्या वो नॉर्मल के तरफ झुकेगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा? वो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। मतलब यहाँ पर लाइट रिवर्सिबिलिटी को भी फॉलो करती है, लाइट फॉलोज रिवर्सिबिलिटी। मान लो ये मीडियम वन है, मीडियम टू, यहाँ से भी ऐसे जा सकती है या आप ऐसे भी लाइट रे जा सकती है। देखो इधर डेंसर मीडियम, अगर ऐसे आप लाइट छोड़ रहे हो, ठीक है, ऐसे भी जा सकता है, तो इसको बोलेंगे हम रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, ये बन गया अपना फर्स्ट लॉ। मतलब क्या कहता है फर्स्ट लॉ, इस पॉइंट पर जो इंसिडेंट हो रही है इंसिडेंट रे, उसी पॉइंट पर रिफ्रैक्टेड रे भी दिखाई दे रहा है और उसी पॉइंट पर नॉर्मल भी बनाया गया है। मतलब ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में हमको पाए जाएंगे। ठीक है, तो ऑल दीज थ्री रेज दे आर इन द सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में वो आ जाएंगे। तो ये बन गए उसका डायग्राम, आपको लिखना है तो लिख लो। ठीक है, तो अब देखेंगे बच्चों सेकेंड लॉ। हम सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने दिया है स्नेल, ठीक है, उन्होंने इस लॉ को बनाया है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ। मतलब जब भी मान लो कैसा हो रहा था बच्चों, जब भी हम रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो पहले उन्होंने एक लाइट इंसिडेंट किया। पहले हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। ठीक है, ये नॉर्मल बन गया, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया आपको। ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम है, मान लो ये रेयरर है और डेंसर है। ठीक है, तो इंसिडेंट हो गया, पहला कुछ एंगल था बच्चों, हम नेमिंग करेंगे I1। तो अभी देखा कि रिफ्रैक्शन हो गई, तो
एक्सपेक्टेड एंगल भी मिल गया आपको R1, ठीक है। तो पहले कन्फ्यूजन था क्या ये भी रिफ्लेक्शन के जैसा ही एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम हो रहे हैं, ये कन्फ्यूजन था। उन्होंने सोचा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होंगे, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्शन हो रहा था I=R हो रहा था, वैसा ही यहाँ पर भी होगा, ऐसे हमने सोचा था, स्नेल्स ने सोचा था, पर ऐसा नहीं हुआ बच्चों। इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल दोनों डिफर हो रहे थे। मतलब आप इंसिडेंट एंगल को जैसे ज़्यादा करते गए, जैसे इंक्रीज करते गए, वैसे ही रिफ्रैक्टेड एंगल भी चेंज होते गया। जैसे आप इंसिडेंट एंगल को चेंज करते गए, वैसे ही रिफ्रैक्टेड एंगल भी चेंज हो रहा था, इक्वल नहीं हो रहे थे जैसे रिफ्लेक्शन में हो रहा था, वैसे कॉन्सिक्वेंस हम इधर नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कुछ ऐसा, एक डिफरेंट कुछ वेवलेंथ का लाइट, सेम वेवलेंथ लिया उन्होंने फॉर अ गिवन वेवलेंथ, सेम मान लो लैम्डा वेवलेंथ का लाइट इधर इंसिडेंट करवाया है तो रिफ्रैक्टेड एंगल उनको मिल गया R1। मान लो पहले 30 डिग्री लिया था, इधर कुछ 40 डिग्री आ गया, मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने उसी लाइट को लेकर, ठीक है, और दूसरे एंगल से उन्होंने इंसिडेंट किया, डिफरेंट एंगल उन्होंने इंसिडेंट कर दिया। मान लो इधर उन्होंने 40 डिग्री एंगल का रे, सेम वेवलेंथ ले रहे हैं वो, ठीक है, सेम वेवलेंथ है, एंगल को चेंज कर रहे हैं इधर, इंसिडेंट एंगल को चेंज कर रहे हैं, और उन्होंने देखा कि ये भी एंगल कुछ बदल रहा था, ऐसे कुछ आ रहा था, R2 लेंगे हम इसको, I2 लेंगे, मान लो 45 डिग्री आ रही थी, चेंज हो रही थी बच्चों, ठीक है। फिर से उन्होंने देखा कि और एक इंसिडेंट एंगल, सेम इंसिडेंट एंगल को देखा, लिया और एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करवाया, देखो 45 डिग्री उन्होंने इंसिडेंट किया। फिर उन्होंने देखा कि एंगल चेंज हो रही थी, कि एंगल बन गई, R3 लेंगे इसको, ठीक है, एंगल बन गई 35 डिग्री। देखो इधर इससे क्या पता चलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उनको ये बात पता चल गई इस एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। क्या बात पता चल गई कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो उन्होंने कुछ दिमाग लगाया और ऐसा किया कि चलो हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करते हैं अभी, ठीक है। तो उन्होंने किया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पर साइन I1 बाई साइन R1 किया उन्होंने, उनको कुछ कांस्टेंट मिला, कुछ नंबर मिले, पहला ये किया इससे। फिर बाद में जो उन्होंने एंगल सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया था उसी वेवलेंथ ऑफ लाइट का लेकर, तो इधर भी उन्होंने सेम रेशियो लगाया साइन I2 डिवाइडेड बाय साइन R2, मतलब इन एंगल को साइन लगा दिया। फिर उन्होंने देखा कि इधर भी कुछ वैल्यू आ रही थी कांस्टेंट, तो थर्ड केस में भी वैसे ही किया उन्होंने साइन I3 बाय साइन R3 किया, तो इधर भी कुछ कांस्टेंट आ रही थी, ठीक है। तो उन्होंने देखा क्या कि ये जो कांस्टेंट था बच्चों, ये सेम आ रहा था, मतलब साइन आई जो रेशियो था, ये तीनों बराबर रेशियो आ रहे थे, कांस्टेंट आ रही थी, समझ में आ रही है बात। साइन I3 बाय साइन R3 जो उन्होंने रेशियो लिया था, इन सभी रेशियो का वैल्यू उनको सेम आ रही थी, ठीक है। तो ये इसमें सेम होगा बच्चों, रिफ्लेक्शन में कैसा हो रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंट वाज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पर रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट वाज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंस्टेड व्हाट वाज इक्वल, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल वाज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो इसी कांस्टेंट को
उन्होंने देखा कि ये जो कांस्टेंट आ रहा था ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बन गया था। जो ये कांस्टेंट वैल्यू उनको मिल रही थी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के साथ बराबर हो रही थी। तो उन्होंने अपने लॉ में चेंजेस किया कि उन्होंने जनरली लिख दिया कि साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, मतलब डेंसर से डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर कर दिया उन्होंने। ठीक है, सो दिस इज आर स्नेल्स लॉ। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? तो ये जो टू रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो टू है ये मीडियम टू है जहाँ पर रे ऑफ लाइट बेंड हो रहा हो उसको हम पहले लिखेंगे, वो मीडियम का नाम पहले लिखेंगे, बाद में वन जो है जिस पर लाइट इंसिडेंट हो रही थी, लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी उसको हम बाद में लिखेंगे, या जनरली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो अभी ऐसा आपको कुछ कॉन्सिक्वेंस दिखाई दे रहा है, मीडियम वन है और ये मीडियम टू है, मीडियम मान लो मीडियम वन को हम रेयरर मान लेंगे और मीडियम टू को भी डेंसर मान लेंगे। ठीक है, तो अभी डेंसर में इंसिडेंट हो रहा है ऐसा, देखो रिवर्सिबिलिटी जो मैंने बात किया था रिवर्सिबिलिटी का, तो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। डेंसर में लाइट अभी इंसिडेंट हो रहा है तो अभी कैसे रिफ्रैक्ट होगा बच्चों? क्या वो नॉर्मल की तरफ झुकेगा क्या, अवे फ्रॉम द नॉर्मल? हमेशा याद रखना डेंसर टू रेयरर है तो रिफ्रैक्टेड रे विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर होगा वो। तो ये बन गए आर। ठीक है, तो अभी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखोगे आप? कहाँ पर बेंड हो रही है, कहाँ पर बेंड हो रही है लाइट? मीडियम वन में बेंड हो रही है, तो पहले आप लिखोगे वन। कहाँ पर इंसिडेंट हुआ है? टू मीडियम में इंसिडेंट हुआ है तो इसको लिखेंगे टू। तो इसको पढ़ेंगे कैसे हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, इसको कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, ये छोटी सी ट्रिक है, आप याद रख लेना। पहला नंबर किसका लिखेंगे आप? जहाँ पर रे ऑफ लाइट बेंड हो रहा हो। सेकंड नंबर किसका लिखेंगे आप? जहाँ पर इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक है, देखो इधर इंसिडेंट रे आ रही है तो ये टू हो गया, यहाँ पर बेंड हुआ है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ है। ठीक है, बेंड हुआ है। ठीक है, तो उसको हम पहले लिखेंगे, तो बेंडिंग पहले लिखोगे, इंसिडेंट बाद में लिखोगे। तो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो आपको पता चला कि स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया और फॉर अ गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होगा तो साइन आई बाई साइन आर भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये बन गया अपना स्नेल्स लॉ। तो ये दो लॉज हैं, रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं बच्चों, पहला लॉ देखा हमने और सेकेंड लॉ स्नेल्स लॉ है। तो स्नेल्स लॉ कहाँ पर वैलिड नहीं होगा? ठीक है, स्नेल्स लॉ के भी कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, लिमिटेशंस हो सकते हैं, कहाँ पर वो वैलिड नहीं होगा? मान लो इंसिडेंट एंगल ज़ीरो है। ठीक है, इंसिडेंट एंगल ज़ीरो है यानी इंसिडेंट एंगल जो है नॉर्मल के साथ मिल गया है, मतलब 90 डिग्री टू द सरफेस कर रहा है। गौर से सुनना, देखो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये मीडियम वन है, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, मीडियम नंबर टू। तो ये बन गया अपना नॉर्मल, तो यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है रे ऐसा कुछ, तो ये आई है, तो रिफ्रैक्शन कैसा होगा, बेंड कैसा होगा? रिफ्रैक्टेड रे टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रे कहाँ से आ रही है? रेयरर टू डेंसर आ रहा है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। तो ये बन गया अपना रिफ्रैक्टेड एंगल।
तो देखो इसमें ठीक है, अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जुड़ गया ऐसे, ये था इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे जीरो एंगल बना रहा है किसके साथ, नॉर्मल के साथ, ठीक है, जीरो एंगल विद द नॉर्मल। तो रिफ्रैक्टेड रे कैसा आएगा, वो भी ऐसा ही आएगा, तो वो डायग्राम देखेंगे, ये अगर इसके साथ मिल जाएगा तो ये भी इसके साथ मिल जाएगा, तो कैसा होगा नॉर्मल इंसिडेंस जो हम कहते हैं इसको, तो ऐसा हो रहा है, मान लो ये है अपना इंसिडेंट रे, इसी पर ही नॉर्मल है, तो रिफ्रैक्टेड रे भी ऐसा ही होगा बच्चों। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इट जीरो इन दिस केस, यस जीरो है, क्योंकि नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है जीरो एंगल बना रहा है, ए भी जीरो बन गया, तो साइन जीरो इज जीरो। तो यहाँ पर क्या स्नेल्स लॉ लग सकती है, क्या यहाँ पर स्नेल्स लॉ वैलिड हो सकती है, साइन जीरो इज जीरो, तो अपना आंसर जीरो आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं होगा, ठीक है, कहाँ पर नहीं होगा, इन नॉर्मल इंसिडेंस, इन नॉर्मल इंसिडेंस स्नेल्स लॉ इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, क्योंकि आई इधर क्या बनेगा, इक्वल, इक्वल टू जीरो, ठीक है, इक्वल टू जीरो मीन्स एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज जीरो, हेंस स्नेल्स लॉ इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको वन मार्क्स में पूछा जा सकता है, याद रख लेना, ठीक है। तो ये बन गए अपने स्नेल्स लॉ। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे और शिफ्ट इन द ग्लास स्लैब के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहना और प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू सो मच।